थोड़ा जानता है, इसके कारण मैं कह रहा हूँ निहायत खूबसूरत और प्यारी बात रहती है, वो इसमें इजाफा कर भी जाए तो क्या कहते हैं नूर अला नूर आई सिंह दखे आई सिंह दखे अंग्रेजी में उसका दर्शन नूर अला नूर, ठीक है। और मजे की बात नहीं, सरकार वसूल वाला हजरत बाबू सुबहानी का उन असबाब से है कि जो हजूर बाबू सुबहानी को बहुत पसंद है, और मैं समझता हूँ कि सरकार वसूल वाला की जो इतनी बाबूबियत वलियों के यहाँ भी, गैर वलियों के यहाँ भी, मैंने मुझे पता चला उसका रिसर्च भी होनी चाहिए कि एक जमात है सिखों की जो गैर शिख देती है, नमाज वो नहीं पढ़ते, इस्लाम वो नहीं लाते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन गैर शिख देते हैं, वो एक जमात है। और हमारे बाज अजीज उन सिखों से मिले हैं जो हजूर बाबू आसमानी की गैर शिख, उनसे पूछा गया कि ये आप क्या करते हैं, गहरे गहरे कीर्तन में मानते, मैंने एक ईसाई को मुसलमान किया, अल्लाह ने उसको मुसलमान किया और मेरे हाथों पे वो अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी, तो उसको सर का दर्द था, तो मुझे कहता जी कि मैं उस बंदे के हाथ पे मुसलमान होगा कि जो मेरे साथ दर्द ठीक करे, मैंने बड़े लोगों से दम कराए और वो उसको भी पता था कि अल्लाह माफ फरमाए, मैं किसी को बुरा भला तो नहीं कहने का आदी नहीं हूँ, लेकिन कहता इले भाभी होने ना एक जिक्र तो बड़े करने पर जिक्र तासीर कोई नहीं, जो होश पा वो दिन मन डाले ये ना कुछ है ईसाई का, तो मैंने कहा मैं तो मैं तो मानने वाला जाऊँ, मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसके साथ प्यार रखा, अल्लाह ने उसके दर्द को दूर कर दिया, कदम जी का माफा। तो आजकल सरकार मौसम बढ़ा के बोला मानसी और उसका सारा खानदान है, तो मैंने अभी जो दो साउंड्स की बात है एक नए जाविए से डिस्कशन इस बात वाओ किन साउंड्स में ओपन एंडेड या एंड स्टॉप ओपन 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 जैसे आप कहते हैं अल्लाह सही हूं की साउंड में तिली ये जो होती है स्क्रीन इसका है, इसके अंदर खून ना पैदा होता हो वो ये साउंड प्रोनाउंस करेगा उसके अंदर खून पैदा, किस दिन इस पर जिन बच्चों के यहाँ जो थैलासीमिया के मरीज हों अगर उनको भू की साउंड का पैटर्न सिखा दिया जाए तो बच्चा है पढ़ा है तो भी हम बात करते हैं उसका, तो इन शाह गैर मामूली बात है, तो वाओ की साउंड जो है ये ओपन एंडेड राजी ओपन एंडेड साउंड उसकी आसान ओडिना प्रश्न 1903 बजे आई वो साउंड ऑडी कि जिसके मुंह बंद ना वो करो, ठीक है ना, मुंह बंद होगी शायद वो स्टाफ साउंड ऑडी जेडे खुले रहा मुंह तक जो प्रोनाउंस होने रहा उसके आने ओपन एंडेड साउंड वो अक्सर तो ही अक्सर मुंह बंद नहीं होना था, अरे मुंह बंद करे तो हुआ हो बना था कौन सब जी सिंधे हैं नहीं अपनी रिजल्ट हैं इन्हें लाल जी पता है अच्छा पर इसमें मतलब कि मैं छेड़े नहीं क्योंकि इस तरह जो ठीक हो गया अब वा ठीक है ये साउंड ओपन है साउंड दाल फ्रिक्शनल साउंड है जिसे मैं कहा हाथ समाज या देव ठीक है ये क्या है फ्रिक्शनल साउंड यानी ग्लॉटिस में ग्लॉटिस एक आता है ग्लॉटिस में जरा सी एक झटका सा लगता है ठीक है और फिर उसके बाद यानी ये दांत की आवाज है प्रोनाउंस होती है लेकिन ये जाती कहाँ है दिल 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 ठीक है दिल। अगर आप सिर्फ द द कहना शुरू कर देना तो आपका दिल जाना चाहिए आप देखिए झटका लगता है अभी चेक करें
कोई नहीं कुछ भी नहीं कहेगा भाई आप कोई जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी जिंदगी में फर्क नहीं तो पड़ता तो आप जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना देखा कुदरती तो बैठा क्यों कहते हैं बात क्यों उसने अब आप में जनता जनता का यानी ऐसे लगता है जैसे आप कदम उठा रहे हैं एक परिंदा प्रवास कर रहा है उसके अपने पुरों को फड़फड़ा रहा है ये वाह का रूप ही तो वाह है तो ईद को सीखे हमसे आके सीखो इसीलिए हमसे आके सीखो सुभान सुभान वाह ला शरीक का ये उलूम औलिया में से जो आज मैं खाले सतत उलूम औलिया में से लिया सुभान सुभान इस पर इस साउंड से एक और चीज जो पैदा होती है दिल की बहुत सारी फोर्सेज हैं जिनमें से दो बड़ी दम और भी ध्यान करूंगा लेकिन आप आठ दो सीख और सीख क्या है आपको पता है मैं सिर्फ इशारा देता मोहब्बत और हीलिंग ये दिल की बड़ी प्रिडोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स गालिब तरीन सी बात है दिल मोहब्बत और हीलिंग अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत आपके किसी अजीज तक पहुंचे और वो आपको अजीज तरीन समझे या आप किसी अजीज से मोहब्बत करते हैं मसल है मेरे अजीज है मैं चाहता हूं मेरे असल भाई के दिल में मेरी और मोहब्बत करता हूँ या आबिद भाई के दिल में और मोहब्बत करता हूँ या ब्रदरन के दिल में और मोहब्बत करता हूँ तो ये दाल की साउंड के जरिए से पैदा की सुभान के दिल आप दाल दाल कहते रहे और मोहब्बत जनरेट हो जाए मोहब्बत के रस्ते में मोहब्बत बहुत दुनिया की पाक तरीन चीज का नाम नहीं तो मोहब्बत किसी नापाक शहर मोहब्बत की जिंदगी में याद सही आपके वो अजीज बस आपके घर में हैं बच्चे हैं अजीज हैं बुजुर्ग हैं कोई इतलाबाद नहीं करूँ मैं तो आप सिर्फ ये साउंड क्रिएट करें और मोहब्बत को चारों तरफ करें आप आराम रहेंगे कि दुनिया आपके साथ किस तरह मोहब्बत करे मशाइख क्या करते हैं मशाइख किसी को पैसे तो नहीं देते उनके पास तो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जारी और करप्शन के पैसे उनके पास कोई नहीं है हजार हजार रुपया सबको बढ़ते थे लोग ले भी जाते उनका नहीं होते लेकर कहते देते तो दे रहे पर उतना ध्यान दे रहे तो नहीं हम ऊपर सवाल करते हैं बताए कहां से ओपक बेनजीन इनकम सपोर्ट के पैसे कहां से आ रहे हैं कौन को बताया सवाल सही अगर वो ज़कात के हैं तो किसी पर इस तरह जायज नहीं है ये ध्यान रखें और जहां कोई ज्यादातर बरकता वाला से पूछो ये फंड कहां से है बिजली लोड शेडिंग खत्म करने के लिए पैसे नहीं है गैस की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए पैसे नहीं है अफवाज पाकिस्तान की वहां पर उन्हें रकम मदद करने के पैसे नहीं और अरबों की तादाद में कहां से आ रहे हैं कैसे मान छोड़े आराम पैसों के बाद नहीं रकम आराम की बात करें तो क्या होगा कि पाक मोहब्बत आपके दिल में आपके अजीज के लिए आपके अजीज के दिल में आपके लिए और याद देखें किसी को पैसे नहीं देते बल्कि पैसे लेते हैं देखें ना पीरू को लोग पैसे देते हैं पैसे भी देते हैं प्यार भी करते पीरू को लोग पांव भी चुमते हैं हाथ भी चुमते हैं तोहफे भी लेकर जाते हैं पैसे भी देते हैं घर बना के देते हैं मस्जिदें बना के देते हैं सेंटर्स बना के देते हैं मराकज बना के देते हैं और अगर जरूरत पड़े तो जिंदगी भी कुर्बान करते हैं क्या जल्दी क्या बात हुजूर महबूब सवाल ने अपना बड़ा कर्म फरमाया
جب قادری اسباب مرتب فرمائے تو ہمیں اللہ کا ایک قسم یا ودود یا ودود قادریہ کے سکا غوث الگاہ کے خصوصی اسباق میں سے اگر آپ یہ اسم پاک اسم الہی اپنے گھر میں ایک رائج کر دیں آپ یقین فرمائیے پورے مکمل اعتماد سے کہہ رہا ہوں میرے رب کا نام ہے میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا سرکار غوث المرا نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے اور پوری امت کے اولیاء سے پڑھتے ہیں ان شاء اللہ اس گھر میں محبتوں کی کمی نہیں ہے جس معاشرے میں پڑھا جائے گا وہ معاشرہ نور اللہ نور ہو جائے گا وہاں پر نہ بم مارنے کی ضرورت ہوگی نہ الزام لگانے کی نہ عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہوگی یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے سورہ اخلاص شریف اسی پر میں نے بات کی کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل جس طرح سورج کا طلوع ہونا اگر آپ کو بے نظیر صاحبہ کی کتاب مل جائے نا وہ ثقافت اس کتاب میں بے نظیر صاحبہ لکھا ہے کہ میں جب قید ہوئی مجھے قید سے رائے ملی اس کی وجہ یہ سورج اخلاص کوئی بھی پڑھے ان شاء اللہ تلاش کرنا تھا یا ودودوں کی جو صفت مجھے اللہ کریم نے کسی خاص واسطے سے مرحمت فرمائی وہ یہ کہ جب دنیا کا کوئی بھی سہارا نہ رہے اور آپ یہ چاہیں کہ بجلی چمکے اور کڑک کے برسے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اپنے ودود رب کو جس کا کوئی بھی نہ ہونا وہ اپنے ودود رب کو یاد کر کے دیکھے تو اس کا بھی لیسن ہو گیا لیکن ہمارے قاری صاحب کی تلاوت کبھی بات نہیں نماز کے بعد اس سے قرآن بھی سنا اور ریبر کی بات بھی سنی ہے مسعود بھائی بھی آئے ہوئے ہیں سارے